सो गाइस फाइनली आज हम बात करने वाले हैं आपके ही डिमांड के ऊपर, एक ऐसे टैटू के टॉपिक के ऊपर जो आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट में यही पूछते हो कि सर हम अपने टैटू के ऊपर क्या अप्लाई करें, न्यू टैटू हमने बनवाया है और हमारा टैटू, हम चाहते हैं कि हमारा टैटू बिना किसी इन्फेक्शन के एक अच्छा टैटू बन पाए, लेकिन हमें प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, हमें ये नहीं पता क्या लगाना चाहिए। तो गाइस सर आज की वीडियो में हम आपसे यही बात करने वाले हैं कि कौन सबसे बेस्ट है आपके न्यू टैटू के लिए, कौन आपके टैटू को प्रॉपर हीलिंग के साथ में आपको एक बेस्ट टैटू निकाल कर देता है विद इन 15 डेज के अंदर अंदर, विदाउट किसी इन्फेक्शन के और विदाउट फीडिंग के, बिकॉज फीडिंग बहुत ज़्यादा हाईली प्रॉब्लम बन चुकी है न्यू जो टैटू बनता है उसके लिए, कि जो उनका टैटू है थोड़े दिनों तक तो अच्छा देखता है लेकिन उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में वो फेड पड़ जाता है। तो आपके साथ में ऐसा ना हो तो इसलिए वीडियो की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा के जैसे आपके भाई की एक ही रिक्वेस्ट रहती है, पहली बार अपने भाई के चैनल पर आए, पहली बार अपने भाई को देख रहे तो भाई चैनल के नीचे जो रेड कलर का बटन देख रहा है उसे प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन निकल के आती है, तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सर सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप अपने टैटू के ऊपर किस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हो, जैसे कि आप समझ लो बेबी जॉनसन का ऑयल बहुत लोग यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल का यूज़ करते हैं, या ANDE ऑइंटमेंट करके एक लोशन आता है, एक जेल आती है उसे भी लोग यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का अपने टैटू के ऊपर न्यू टैटू को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कई लोग तो सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का भी यूज़ करते हैं अपने टैटू को एक बेस्ट टैटू निकालने के लिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, एक वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपके न्यू टैटू के लिए कौन सबसे बेस्ट। तो चलिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों मैं आपका डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं, आप कभी भी देखिए आपके टैटू को एक बेस्ट टैटू बनने के लिए उसे हीलिंग प्रोसेस, एक बेस्ट हीलिंग प्रोसेस देना होता, तभी आपका टैटू एक बेस्ट टैटू बनके आपको सामने आता है। तो उसके लिए बस आपके टैटू को मॉइस्चराइज ही जरूरी नहीं है, आपके टैटू को एक हीलिंग प्रोसेस भी देनी होती है। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ऑयल यूज कर लीजिए, कोकोनट, बेबी जॉनसन या ANDE ऑइंटमेंट एक पाउच जैसा आता है, अगर उसका भी अगर आप यूज करते हो ना तो दोस्तों अभी आप उसका यूज करना बंद कर दीजिए, बिकॉज ये आपके टैटू को हील नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके टैटू को हील नहीं करेगा, ये आपके टैटू को जस्ट और जस्ट मॉइस्चराइज करेगा, और इसके बाद में आपको फिर उसके बाद में आपको फेडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। इसमें कितना भी बड़ा टैटू आर्टिस्ट मुझे सजेशन करेगा ना कि भाई आप इनमें से किसी भी चीज़ का यूज़ कर लो, ऑयल का या लोशन का, तो भाई मैं साफ साफ गारंटेड उसके सामने खड़े रह के दावा कर सकता हूँ कि भाई आपका टैटू फेड पड़ जाएगा अगर आप किसी को भी इस तरह के चीज़ों का सजेशन देते हो तो, बिकॉज ये मेरे साथ खुद हुआ है, क्योंकि मैंने 3 टैटू बनवाए हुए, 3 टैटू में से मेरे 2 टैटू के ऊपर मैंने सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का यूज़ किया। जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, मैंने 2 टैटू के ऊपर सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का यूज़ किया हुआ, जैसे आप देख सकते हो इस क्रीम का मैंने यूज़ 2 टैटू पे किया, जिससे 2 टैटू मेरे डार्क टैटू बन गए हैं, जैसे कि पहले थे उसी तरह के टैटू मेरे बन चुके, लेकिन एक टैटू पे मतलब बहुत ज़्यादा सजेशन में आ रहा था जब मैं तब मुझे इतनी गाइडलाइंस भी नहीं थी, मतलब एक टैटू पे मैंने कोकोनट ऑयल का यूज़ किया जिससे मेरा टैटू सबसे ज़्यादा फेडिंग में वहीं आया, वही टैटू सबसे ज़्यादा मेरा फेड पड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम के बाद में मुझे उसे रीटचअप भी कराना पड़ेगा, टचअप कराना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि विदाउट किसी इन्फेक्शन के आपका टैटू एक बेस्ट टैटू बन पाए ना, तो आपको सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का ही यूज़ करना होगा, ताकि आपके टैटू को मॉइस्चराइज के साथ साथ एक बेस्ट हीलिंग प्रोसेस मिल सके, जिससे आपका टैटू विदाउट किसी फेडिंग के, विदाउट किसी इन्फेक्शन के एक बेस्ट टैटू आपके सामने बन के आ सके। तो दोस्तों आपको ये डाउट क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी भी तरह के ब्रांड का ऑयल यूज़ करते हो या ANDE ऑइंटमेंट लोशन का यूज़ करते हो ना, तो डेफिनेटली या और भी किसी प्रोडक्ट का यूज़ करते हो ना अगर ऑयल से या लोशन से रिलेटेड है, तो दोस्तों मैं डेफिनेटली कह देता हूँ आपका टैटू फेड पड़ जाएगा। जी हाँ, और खास करके उसमें साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका टैटू फेड पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हो आपका टैटू फेड ना पड़े तो आपको सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट का यूज़ करना होगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, मैं आपको किसी का दबाव नहीं दे रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता है उस क्रीम का यूज़ कीजिए, जो अच्छा लगता है उस ऑयल का यूज़ कीजिए, लेकिन मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जिससे मैं आपको राय देना चाहता हूँ। दोस्तों अगर आप अपने टैटू को बेस्ट टैटू बनाना चाहते हो विदाउट किसी इन्फेक्शन के और विदाउट फेडिंग के, तो आप सिल्वर एक्स ऑइंटमेंट क्रीम का ही यूज़ करें, ताकि आपका टैटू एक बेस्ट टैटू, एक अट्रैक्टिव टैटू निकल के आपके सामने आ सके। तो गाइस ये थी आज के वीडियो की कुछ जानकारी, आई होप आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को यहाँ आ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करके जरूर देना, ताकि और भी किसी टैटू बनवाने वाले बंदे की हेल्प हो सके। तो गाइस
जाने से पहले हमेशा की तरह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद दोस्तों।